प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस जनों ने बस स्टैंड पर पकोड़े तलकर विरोध जताया और लोगों को पकोड़े भी खिलाए। कांग्रेस के युवा नेता तेजस्वी मांजरेकर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन उनको रोजगार देना तो दूर, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवा वर्ग जैसे तैसे कर अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण कई युवाओं को घर चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ रही है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। ये कांग्रेस को आज पकड़े चलने की क्या आवश्यकता पड़ी और इसका क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हम इसको, पूरी कांग्रेस परिवार इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाता है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनकर आए तो उन्होंने ये वादा किया था कि हर बेरोजगार प्रतिवर्ष बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज CMII का रिपोर्ट उठाकर देखिए, देश में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कोरोना के बाद और ज्यादा इसका गहरा असर हुआ है। बिहार में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, देश के कोने कोने में बेरोजगार युवा अपने लिए रोजगार सृजन की मांग करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनको एक मूल मंत्र दिया है। वो मंत्र ये है कि आप पकोड़ा तलिए और इसी को रोजगार मानिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की इसी बात का विरोध कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के सभी लोग, और ये विरोध इस बात को लेकर है कि जो पकोड़े आज हम तल रहे हैं, चाहे MBA किया हुआ कोई व्यक्ति हो, इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हो, बैंक PO का पढ़ाई किया हो, किसी सरकारी विभाग में अगर किसी को अप्लाई करना और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री को देश के युवाओं ने, चूंकि देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, तो अगर युवाओं ने प्रधानमंत्री को जिताकर 2 बार संसद में भेजा है, तो रिटर्न गिफ्ट में भारत के प्रधानमंत्री इन सब युवाओं को क्या देंगे? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के युवाओं को रोजगार का जो वादा किया है वो वादा पूरा किया जाए, लेकिन आज 8 वर्षों के बाद भी देश के प्रधानमंत्री के कान पर देश के युवाओं को जो रोजगार देना है उसके लिए जू तक नहीं रेंग रही है। और कन्नौज में यूथ कांग्रेस के आज सभी लोग, कांग्रेस परिवार के लोग, भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन इस विरोध के रूप में दर्ज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।